बच्चो आईसीआई ने अपने अनाउंसमेंट के थ्रू ये गाइड किया है कि मई 2024 के ट्वेंटी में कुछ सी इंटरमीडिएट और सी फाइनल के कैंडिडेट्स को आईसीआई ने एग्जामिनेशन में बैन कर दिया है जी हाँ बच्चों ये बात बिल्कुल सही है कि आईसीआई ने मई 24 के एग्जामिनेशन में कुछ सी इंटरमीडिएट और सी फाइनल के कैंडिडेट के ऊपर बैन लगाया है और अब आईसीआई ने यह अनाउंस किया है की मे दो हजार एग्जामिनेशन के बाद यानी कि जून दो हजार एग्जामिनेशन और इसके बाद सी के जितने भी एग्जामिनेशन होंगे उसके अंदर अगर स्टूडेंट यही मिस्टेक करेंगे जो की मे कैंडिडेट्स ने की तो आईसीआई ऐसे सभी सीए स्टूडेंट्स के ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा तो ये सभी सीए स्टूडेंट्स के लिए एक स्ट्रिक्ट वार्निंग है आइए वो अनाउंसमेंट शो करता हूँ बच्चों ये जो अनाउंसमेंट है वेबसाइट पर रिलीज की गई और इसके अंदर यहाँ पर गाइड किया गया है स्ट्रीजेंट एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट्स फॉर अडोप्टिंग अनफेयर मीन्स ड्यूरिंग सीए एग्जामिनेशन तो जिन भी कैंडिडेट्स ने सीए के एग्जामिनेशन में अनफेयर मीन्स को अडॉप्ट किया है तो ऐसे कैंडिडेट्स के खिलाफ आईसीआई ने एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है तो यहाँ पर आगे गाइड किया गया है कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की ये पॉलिसी है कि जो मोबाइल फोन है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या गैजेट है वो एग्जाम सेंटर के अंदर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है यानी कि कोई भी कैंडिडेट सीए CA के एग्जामिनेशन में एग्जाम सेंटर के अंदर ना तो मोबाइल फोन ले जा सकता है ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जा सकता है ना ही कोई गैजेट ले जा सकता है क्योंकि ये स्ट्रिक्टली बैंड है इसके बाद इस अनाउंसमेंट में गाइड किया गया सी के मे 24 के एग्जामिनेशन में ये ऑब्जर्व किया गया कि कुछ स्टूडेंट्स के पास जो मोबाइल फोन का फिजिकल पोजीशन है वो पाया गया यानी कि कुछ कैंडिडेट्स मे 24 के एग्जामिनेशन में एग्जाम सेंटर के अंदर मोबाइल फोन लेकर गए और उनके मोबाइल फोन के ऊपर कुछ टेलीग्राम ग्रुप कुछ व्हाट्सएप ग्रुप और कम्युनिकेशन के अदर चैनल भी पाए गए तो बच्चों आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स ने कितनी बड़ी मिस्टेक की कि उनको पता है कि मोबाइल फोन एग्जाम सेंटर में अलाउड नहीं है फिर भी वो लोग मोबाइल फोन को एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर लेकर गए इसके बाद यहाँ पर यह गाइड किया गया ये जितने भी मोबाइल फोन पाए गए इनको आईसीआई ने जब्त कर लिया है और उनकी एक प्रॉपर रिपोर्ट भी बनाई है एग्जामिनेशन सेंटर के फंक्शनरीज ने और सुप्रिंटेंडेंट ने इसके बाद यहाँ पर, यहाँ पर यह गाइड किया गया कि अब इंस्टीट्यूट की एग्जामिनेशन कमेटी ने इसे बहुत ही सीरियसली लिया है और अब ये डिसाइड किया है कि जो कैंडिडेट्स मई 24 के एग्जामिनेशन में मोबाइल फोन एग्जाम सेंटर के अंदर लेकर गए थे ऐसे सारे ही स्टूडेंट्स को पनिशमेंट देगी क्योंकि उन्होंने जो इंस्टीट्यूट की इमेज है उसको खराब किया है और अब ऐसे स्टूडेंट्स को जिनके की मोबाइल आईसीआई ने मे चौबीस के एग्जामिनेशन में जब्त किए हैं उनको अब सी के एग्जामिनेशन में नेक्स्ट फाइव ईयर्स के लिए बैन कर दिया गया है यानी की ऐसे कैंडिडेट अब आईसीआई के एग्जामिनेशन में नेक्स्ट फाइव ईयर्स तक अपियर नहीं हो पाएंगे तो बच्चों आप देख सकते हैं कि आईसीआई ने कितना बड़ा डिसीजन लिया है यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर ये यह गाइड किया गया अब इस सिनेरियो को देखते हुए स्टूडेंट्स को यहाँ पर यह एडवाइज किया जाता है कि कैंडिडेट्स को जितनी भी एग्जाम इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं जो कि आपको एडमिट कार्ड के ऊपर प्रोवाइड की जाती है उनको आपको केयरफुली रीड करना है और उनसे फेमिलराइज भी होना है जिससे कि वो इस तरह की गलती ना कर सके और वो इस प्रोफेशन की मर्यादा को कायम रखें तो बच्चों ये कम्प्लीट अनाउंसमेंट है और अब आईसीआई ने ये रूल बना दिया है कि जो भी कैंडिडेट्स अब अनफेयर मींस के अंदर जो रूल एंड रेगुलेशंस दिए जाते हैं उनको तोड़ेंगे या मोबाइल फोन को एग्जाम सेंटर के अंदर लेके जाएंगे तो ऐसे कैंडिडेट्स को अब नेक्स्ट फाइव इयर्स तक चार्टेड अकाउंटेंट्स के एग्जामिनेशन में अपियर नहीं होने दिया जाएगा तो सीए लेवल के सभी कैंडिडेट्स चाहे आप फाउंडेशन के कैंडिडेट हों या इंटरमीडिएट के या फाइनल के कैंडिडेट हों तो आपको ये याद रखना है कि आपको अपने एग्जामिनेशन में अनफेयर मीन्स के अंदर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन दिए जाते हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है ताकि आपके ऊपर इस तरह का बैन ना लग सके थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बेस्ट ऑफ लक फॉर एयर एग्जाम बच्चों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा जय श्री श्याम